नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के अधिकार आयोग के बारे में। अभी जो 2019 में इसमें संशोधन हुआ है उसे भी देखेंगे। ये अपडेटेड है, विकिपीडिया पर देख रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसे। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्ति अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में 2018 न्यायमूर्ति HL दत्तू इसके वर्तमान अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। याद रखिए 2019 में भी HL दत्तू हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ, जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था। 20 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्पित किया गया था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। संरचना की बात करें हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश पहले मुख्य न्यायाधीश होता था, जो रहा होता था वही। मानवाधिकार संरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2019 के तहत किया गया है। एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका हो, एक सदस्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है या रह चुका हो, 3 सदस्य मानवाधिकारों के जानकार हों जिसमें एक महिला हो, अन्य 2 अन्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांग जन संबंधी आयुक्त। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर। अब इस समिति में कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, गृहमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्य में विपक्ष का नेता। कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष में होगा। पहले 5 साल था, 5 वर्ष जो भी पहले हो। पूर्ण नियुक्ति के लिए पात्र हैं, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष के वेतन की बात करें तो 2,80,000 और सदस्यों को अन्य न्यायाधीशों के बराबर यानी कि 2,50,000। स्थापना कब हुई? 10 दिसंबर 1993 में भारत की है। मुख्यालय नई दिल्ली में, और जैसा कि हम लोगों ने देख लिया है न्यायमूर्ति हैं इसके अभी HL दत्तू, ठीक है, जयदीप गोविंद महासचिव हैं। ठीक है, तो यही था कि 3 वर्ष हो गई आयु घटा के, ठीक, जो जो संशोधन थे ये सभी दिए गए हैं।